नमस्कार, खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत। देखते हैं कुछ खास खबर। बहादुरगढ़ से मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के पकोड़े वाले बयान को लेकर है, जिससे कि बहादुरगढ़ के युवाओं में काफी रोष है। बात करें स्टूडेंट व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस बयान को लेकर कड़ा विरोध जताया है। वहीं बहादुरगढ़ सामाजिक संगठनों के अधिकारियों द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान की कड़ी निंदा की है। वहीं इस बारे में बहादुरगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंटों ने और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष संजीव मलिक ने भी कड़ी निंदा की। इस बारे में उन सभी का कहना था कि उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं, जैसा जो काम करना चाहिए नहीं, आप करोगे? जी नहीं, मैं नहीं करूंगा। कोई भी पढ़ा हुआ इंसान या स्टूडेंट या पकौड़े तलने का काम, अभी पीछे एक युवा से हमने बात की, उन्होंने बताया कि जो पकौड़े अगर हमें तलने होते तो आप हमको नहीं दी पाए, बोले नहीं। तो इस पर आपका क्या कहना? और हम सभी युवा ये मांग करते हैं कि वो अपने तुरंत ये शब्द वापस ले और माफ़ी मांगे युवाओं से। सर ये बताएं कि जो 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर इस बात को लेकर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि युवाओं ने जो है बीजेपी पार्टी को बहुत काफ़ी अच्छा अपना समर्थन दिया था। मेरा खुद का निजी ये ध्यान है, सोच है कि उन्होंने युवाओं को नौकरी ना दे पाए हुए, और जो आज लोग अपना जो गरीब आदमी है या जो पढ़ाई हुए ये लोगों को जताना चाहते हैं कि ये रोज़गार मैंने दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि वो गरीब आदमी अपने आप ही मेहनत मजदूरी करके पकौड़ा तल रहा है। और जो युवा हमारे पढ़ रहे हैं वो पकौड़ा तलेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा, ये बहुत सोचने। पकौड़ा तलना भी एक व्यवसाय है, तो आपका इसमें क्या मानना है कि जो युवा ग्रेजुएशन करे हुए हैं या और भी अन्य प्रकार की जो डिग्रियां लिए हुए हैं, क्या वो पकौड़ा तलने का कार्य करेंगे? देखिए, युवा इस देश का भविष्य है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें इस देश में और बहुत सारे उद्योग हैं, उन उद्योगों में जाना चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें काम करना चाहिए। जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका काम था पकौड़े तलना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के अंदर एक वायदा इस देश के युवाओं से किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा। उसी वायदे के लिए इस देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके उस चुनाव में भाग लिया और मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन आज हालात ये हैं कि मोदी जी रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का यह गलत बयान दिया। हम उस मोदी जी के बयान की निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से ये भी एक बात कहना चाहते हैं कि आप इस देश के सबसे बड़े उच्च पद पर बैठे हो, आपके मुंह से निकले हर शब्द काफ़ी गंभीर बात होती है, तो आप जो युवाओं को रोज़गार देने का काम करें, ये इस प्रकार की गलत बातें ना करें। एक बात और सर, क्योंकि आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े हुए हो, तो सर हमने देखा भी है काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं, युवाओं का जो रुझान है वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो सर इस तरह की जो ये स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये बयान देश के प्रधानमंत्री का था, अगर आप हरियाणा के अंदर आओगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जब चुनाव हुए थे 2014 के अंदर तो एक वायदा इस प्रदेश के युवाओं से किया था कि अब आपको 10 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं। तो आज युवा जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ इसीलिए भाग रहा है क्योंकि हमारी पार्टी ने एक जो है वायदा किया हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कि जो आज हरियाणा के अंदर जो उद्योग लगे हुए हैं उन उद्योगों में हरियाणा के लोगों की जो भागीदारी है केवल 8% है।